हाय फ्रेंड्स, मैं शहजाद अपना यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन टेक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड पिन कैसे जनरेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डेबिट कार्ड अगर मिल चुका है तो मैसेज बॉक्स में आना है और मैसेज बॉक्स में टाइप करना है DC PIN, ठीक है, स्पेस देकर अपना डेबिट कार्ड का जो 16 अंक का नंबर होता है वो देना है। देने के बाद आपको SMS कर देना है 560704 पे, ठीक है। जब ही SMS कर देंगे तो आपको थोड़ी देर बाद आपको 6 डिजिट का एक OTP जैसा आएगा, ठीक है, OTP आएगा, वही नंबर आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे मेरे पास गूगल क्रोम है तो इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इसमें लिखना है PNB Bank और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखिए HTTPS ये जो है netpnb.com आता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, मैं यहाँ स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ या इस पर चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन देगा, ठीक है, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे दूसरे नंबर पर नहीं, तीसरे नंबर पर क्लिक करना है, PNB E-Banking, यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डेबिट कार्ड पिन, जनरेट डेबिट कार्ड पिन, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है, इसमें आपको अकाउंट नंबर डालना है अच्छी तरह से। डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आपको डेबिट कार्ड का पिन डालना होगा और जो OTP आया है 6 डिजिट का वो डालना होगा, और आपको उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो नया पिन जनरेट करने का ऑप्शन देगा, तो आप आसानी से अपने से जनरेट कर सकते हैं। हम अभी डेमो के तौर पर दिखा रहे थे इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इस तरह कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।